ना कहीं गिरावट के सिलसिले वोडाफोन आइडिया में दिन प्रतिदिन आपको देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से इसके ऐड भी टीवी में आए जा रहे हैं और वो हमें एक अलग से एक भावना जगा रहे हैं कि भाई ये शेयर सब कुछ अच्छा हो गया है, तो वैसा कुछ भी शेयर प्राइस में देखने को हमें नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर सिक्स। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने आज भी आपको 9 रुपये से नीचे के लेवल दिखा दिए हैं। कहीं ना कहीं गिरावट के सिलसिले वोडाफोन आइडिया में दिन प्रतिदिन आपको देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से इसके ऐड भी टीवी में आए जा रहे हैं और वो हमें एक अलग से एक भावना जगा रहे हैं कि भाई ये शेयर सब कुछ अच्छा हो गया है, तो वैसा कुछ भी शेयर प्राइस में देखने को हमें नहीं मिल रहा है। अब वोडाफोन आइडिया में जो भी किस्मत इसकी पलटने वाली है वो सरकार के स्टेक से, और सरकार के स्टेक के बाद जो फंड आने की उम्मीद वोडाफोन लगाकर बैठा है उसकी वजह से इसके अंदर उजाले होने की उम्मीद एक जाग रही है। 20,000 करोड़ रुपए इनको जुटाने थे, उसकी अभी कुछ भी खबर वोडाफोन के नजरिए से कुछ भी देखने को हमें नहीं मिल रही है, जो इसके अंदर हमें पॉजिटिव संकेत डाल रही हो। आपको ये जानना है कि जब भी आप शेयरों में एंट्री करते हैं, कोई से भी शेयरों में एंट्री करते हैं, तो उसमें न्यूज ज्यादा इफेक्ट डाल देती है और न्यूज के हिसाब से ही शेयर बढ़ता और नीचे गिरता, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आज मार्केट के रुख वैसे ही आपको गिरावट के देखने को सिलसिले मिल रहे हैं। जिस तरीके से फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरों और अपनी मौद्रिक नीतियों में कठोरता लाने की अपनी एक चेष्टा दिखाई है, उसकी वजह से भारतीय बाजार आज आपको गिरते हुए दिखाई दिए हैं। और जिस तरीके से 3 साल में बैंकों में जो नकदी की कमी हो रही है और जिसकी वजह से RBI ने एक दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी है और एक अपना अलग सा रुख अपनाया है, और उसकी वजह से भी आपको बैंकों में शेयरों में आज गिरावट देखने को मिले हैं। तो हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया में सर अब क्या टेंशन आ रही है इसके अंदर आ रही है सर, जिस तरीके से इन्होंने 4G की सेवाएँ हमें दी है, यानी कि अपने नेटवर्क की सेवा हम सबको दी है, उसका जो बकाया है ना, इसने किसी और के साथ जो मिलकर काम किया वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, जिसमें नोकिया का करीब 3,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया से लेना है और करीब 1,000 करोड़ रुपए एरिक्सन से। सर ये सेवाएं 4G में भी इन दोनों के साथ मिलकर काम कर चुका है, जो ये सेवा का पैसा इनको अब देना है। सर इसकी टेंशन बहुत ज्यादा से ज्यादा इनको सता रही है। और एक बात और है सर, भारत के आदित्य बिरला ग्रुप के ऊपर 7,000 करोड़ रुपए करीब इंडस टावर का बकाया है, करीब 2,000 करोड़ रुपए अमेरिका टावर का भी बकाया है, ये भी एक चिंता एक का विषय बनता जा रहा है। और इतना पैसा इनको देना है और इसके लिए जो कंपनी है इनसे मांग भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं 4G का बकाया चल रहा है, अब 5G आने वाला, और 5G आने में इनको भी कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए जिसकी मदद से ये 5G को लॉन्च करें, लेकिन जो भी कंपनी इनको मदद देनी चाह रही है वो एडवांस में इनसे पैसा मांग रही है, अब इनके पास पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं फंड की न्यूज़ जल्दी आने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि टेंशन अब वोडाफोन आइडिया को पैसा देने की बन रही है। तो यही एक मुख्य कारण जो है शेयर के प्राइस में आपको आज देखने को मिला। लेकिन सारी की सारी चीज़ें गिर रही थी तो फिर हम इसे अलग मोल में ले जाते हैं, लेकिन वो कोई बात नहीं है। सारा का सारा यही मसला है कि इनको काफ़ी पैसा बकाया देना है और आगे 5G जो लॉन्च करना है, जिस तरीके से जियो एयरटेल दिवाली के टाइम पर अपना 5G लॉन्च करने की एक प्रणाली बना रहे हैं और 18 से 24 महीने में अपने काम को और ज़्यादा विस्तार करेंगे, वहीं पर वोडाफोन आइडिया की कोई भी उम्मीद ऐसी नहीं लग रही है कि 5G की ये डेट जल्दी से जल्दी हमें बताएं, क्योंकि ये पैसा ही इनके पास नहीं है और कंपनी चाह रही है कि इनके पास कहीं ना कहीं से पैसा, और पैसा तब आएगा जब सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी, वही एक मंशा इसके अंदर इसे अच्छा करने की बनेगी, और वो जल्दी से जल्दी कब होगा ये हमें देखने को जल्दी मिल जाना चाहिए, नहीं तो शेयर प्राइस और भी नीचे जाने की उम्मीद इसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है। आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से इन्होंने SBI को एडवांस में पैसा दे दिया था लोन के लिए, वहां से भी पैसा आने की उम्मीद एक जताई जा रही है, और 5G गियर के लिए जिस तरीके से आगे पे इनको पैसों की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं अब इनको जरूर से जरूर पैसों की आवश्यकता, जिसके वजह से ये आगे जाकर अपने को अच्छी तरह ऊपर तक ले जाए। तो अभी आपको सिर्फ इसमें टेंशन ही देखने को मिल रही है, और वो है इनको पैसे देने की टेंशन, जो इनके ऊपर बकाया चल रहा है, और अग्रिम भी इनको वहाँ में जो कंपनियाँ कह रही कि भाई पैसा दो तब हम आपको अपनी सेवाएं देंगे। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। सो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।